आज बच्चों हम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज ईद का दूसरा दिन है माशाल्लाह, तो आज मैंने प्लान बनाया हुआ है कि फैमिली के साथ मिलके बारबेक्यू पार्टी करेंगे। हम लास्ट ईयर भी हमने की थी, इस साल भी हम करेंगे। तो उसके लिए मैं गोश्त तैयार कर रहा हूँ, बोटियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी हैं उनको छोटा कर रहा हूँ। गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ मैंने कर ली हैं, तो गोश्त को धोने से पहले इस पर थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मक्खियाँ एक तो जान नहीं छोड़ती भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने बनानी है मलाई बोटी। नमक डाल लिया गया है, इसमें अभी डालेंगे सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी अच्छे तरीके से गोश्त को धो लेंगे। गोश्त को धोने से पहले उसमें नमक ऐड करना है और मिक्स करना है नमक, और नमक के बाद फिर सिरका ऐड करना है, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है, और उसके बाद 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से गोश्त को धोना है। इस तरीके से गोश्त को धोना है कि अंदर ना तो नमक रह जाए और ना सिरका रह जाए, खून और स्मेल जो है ना गोश्त से एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से गोश्त को धोऊँगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये अदरक लहसुन और कुटी हुई मिर्च हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जाएगा जी नींबू का रस। मुझे तो ऐसे फील हो रहा जैसे मैं आज मुबशर सदीक बना हुआ हूँ। उसके बाद ये सारे मसाले हैं, नमक, मिर्चें, जीरा, ये सारे मसाले जो है ना भाभी ने एक प्लेट में मुझे निकाल के दिए हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कितने कितने डाले हैं, उन्होंने अलहदा कर दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी ये सारे मसाले डाल देंगे। अभी जाएगी जी मलाई, चूंकि मैं बना रहा हूँ बारबेक्यू में मलाई बोटी, तो हम ऐड करेंगे मलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी डालेंगे जी दही। मुझे बिल्कुल भी इसकी रेसिपी नहीं आती है, कैमरा भाभी ने पकड़ा हुआ है, वो मुझे बता रही है कि क्या करना है, अब ये डालो जैन, अब ये डालो, तो वो मैं करता जा रहा हूँ, कर मैं रहा हूँ, बता भाभी रही है। मुझ में सब्र नाम की चीज है नहीं, तो कहाँ बंदा 12-13 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करे, तो हम 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट करेंगे, उसके बाद हम जी बारबेक्यू पार्टी करेंगे। तो हमारा गोश्त जी एकदम तैयार है, इसे अभी मैरिनेशन के लिए रखेंगे। गोश्त तैयार करने के बाद मैं और भाई मुदस्सर जो है ना आ चुके हैं खेत में। यहाँ पे कोयले पड़े हुए हैं, हमने तो छुपा के रखे थे ताकि बारिश से बच जाएं, तो मुझे तो लग रहा है कि खराब हो चुके हैं। वो सामने जो तोड़ा आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ना, उसमें कोयले हैं। ये नहीं खराब होते, पक्की गल है। चले देखते हैं। फ्रेश फ्रेश है, इनको तोड़ा भी जा सकता है। हाँ जी अबू जी, अबू जान भी इधर है, वो बैठे हुए हैं। अबू जान, अबू जी यहीं आए थे। हाँ, कोयले लैंड केले देखे माशाल्लाह, उसके बाद अमरूद देखे माशाल्लाह, उसके बाद जी वो चीकू का पौधा है, ये चीकू ही है ना, ये माशाल्लाह इस पे लगा हुआ है, कितना ज्यादा आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक हो? एक शेर हो ये बदाम लोए तू तुल दे वेखे सियाणे भी गल्लां तू भुल दे वेखे तू ते जान चीज ही कोई नहीं असी शाह भी गलियां च लुल दे वेखे। आए हाय 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 हाय, लास्ट टाइम जो तू सुनाया ही ना ओदो भी यही देन हन जामुन खाने पे। हाँ हाँ जी, हमारे विलेज के उस्ताद और भाई बशर गुरु, दो उस्ताद हो शाहपुर, एक ये हमारे सामने बैठे हुए हैं और एक घर सोए हुए हैं भाई बशर। इंग्लिश की कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वो भाई साहब इस केले के पौधे पे लागू होती है। तो ये देखे माशाल्लाह, ये पौधा, ये कुछ भी नहीं और इस पे केले लगे हुए हैं माशाल्लाह। देखें, कोयले लेके निकलते हैं जी घर को। लास्ट टाइम हमने इस पे बारबेक्यू किया था, ये भाई मुबशर ने अपनी वीडियो के लिए बनवाया था, दो दाबड़े जोड़े हुए हैं, तो इसको लेते हैं खोल। वाह, इसके अंदर जूते और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, तो ये सब कुछ निकालते हैं। निकालो बच्चो, मैंने पकड़ा हुआ है, नीचे फेंकते जाओ आराम से। वो देखो अंदर से छिपकली भी निकली है। अच्छे तरीके से धोएंगे, साल बाद इसे हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक साइड पे पड़ा हुआ था घर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा इसको गन लगा होगा, तो इसलिए फिर इसको अच्छे तरीके से धोना तो बनता है ना जी। टाइम हुआ जाता है जी कोयले जलाने का, तो अभी कोयले जलाते हैं। हाथ काले हो जाएंगे आराम से।
अभी जी मैं बाइक से पेट्रोल निकाल रहा हूँ, निकाल लिया है, ये कोयलों पे डालेंगे और आग जलाएंगे। इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी आग जल जाएगी। बाकी आपको पता ही है कि भाई साहब पेट्रोल कितना महंगा हो गया हुआ है। आ जाए जी, इतना ज्यादा पेट्रोल निकाल लिया है मैंने, ज्यादा निकाल लिया है, इतना भी होता तो चल जाना था अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल डाला, ये देखो हुआ ना धमाका, गर्मी इधर तक आ रही है। साथ में सर्दी लग रही है आपको, ब्रीरा आपको भी सर्दी लग रही है, इतनी गर्मी है यार। बिलाल साइड पे हो जाए प्लीज, पीछे पीछे हो जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है प्लीज। हाँ थैंक यू। आज बच्चों हम क्या करेंगे, बारबेक्यू पार्टी। बिलाल आप कौन है? चाचू की तनी बड़ी जान। सद के चाचू की तनी बड़ी जान। इससे दूर रहना, इससे दूर रहना। कोयलों का गुस्सा आ गया, उनका मुंह लाल हो गया, जैसे हमारा मुंह लाल होता है गुस्से से। अभी जी पंखे के नीचे लेके आ चुके हैं, यहाँ पे हवा लगेगी ऊपर से और कोयले जल्दी जल्दी जल जाएंगे। और दूसरा कोयलों को मैंने तोड़ दिया है इस आधी ईंट की मदद से, ऐसे ऐसे कोयले बड़े थे इसलिए आग कोयलों को नहीं पकड़ रही थी। अभी देखें धुआं निकल रहा है अंदर से, अभी जल्दी जल्दी अपना काम हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऊपर से हवा लग रही है, कोयले अभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। मुझ में सब्र नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे यही होता है कि मैंने ये काम स्टार्ट किया ना बस ये अभी हो जाए, लेकिन कुछ काम होते हैं उनमें वक्त लगता है और कुछ काम होते हैं जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि बस जल्दी जल्दी कोयले तैयार हो जाए, सही मैंने आग लगाई है ना बस हो जाए, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसमें। बच्चे हमारे आप देख सकते हैं ऊपर पंखा लगा हुआ है, ये पंखियां लेके धड़ाधड़ लगे हुए हैं और कोयले अभी स्पीड में तैयार हो रहे हैं। वाह मेरे बच्चों ने जी आग लगा दी है, बस करो अभी। हाँ जी अन्नी पाती है, तुसी अन्नी पाती है, वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड अबुजर। सीखे निकाली गई हैं और ये नई सीखे हैं, अभी पैक हैं, तो इनकी अनबॉक्सिंग उस घर ही जाके करेंगे। सीखे गोश्त और घर वाले, इन तीनों चीजों को मैं लेने के लिए आया हूँ पुराने घर। भाई बच्चे सो रहे थे, उनको उठा लिया है। गोश्त रहा जी इधर अपना, इसको लेते हैं निकाल। आ जा भाई बाहर, बातों में लगा के ना बिलाल को बोटियां खिला रहे हैं कच्ची। वो कह रहा था ये कैसे पकी हैं। बच्चे हों और सुकून से बैठ जाएं ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारे कोयले तैयार हो चुके हैं जी, अभी हम जनाब मलाई बोटी बनाना शुरू करेंगे। नई सीखों की अनबॉक्सिंग, वाह ये तो पूरी तलवार की तरह है जी। इनको अभी धो लेंगे। जब तीन तीन नहीं बल्कि चार घरों के बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर भाई साहब क्या ही बताऊं क्या होता है। कोई बच्चा रो रहा है, तो कोई हंस रहा है, तो कोई लड़ रहा है, तो कोई किसी को मार रहा है, कोई मार खा रहा है, तो ये सब भी इधर चल रहा है वो आप देख सकते हैं। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोटियों ऊपर चढ़ाते हुए मुझे डर लग रहा है इससे कि कहीं ये मेरी ऐसी उंगली में या अंगूठे में ना घुस जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सड़ गए माशाल्लाह जी, हमारी तीन सीखें तैयार हो चुकी हैं। अभी पता नहीं मुझे कि सच में तैयार हो चुकी हैं कि नहीं। बड़े भाई भाई बशर ने एक जगह पे टिक्के देखे थे, खाए नहीं, लेकिन भाई बशर के वो मोस्ट फेवरेट हैं देखने में ही बस। वाकई में वो खुश है, कुकिंग आने लगेगा ना बड़े मजे के हो जाएंगे। चले मैं अंदर छोड़ आता हूँ। पहले एक गलती हुई है कि जनाब कुकिंग ऑयल हमने ऊपर नहीं लगाया, लेकिन अभी हम लगाएंगे। बहुत ज्यादा हीट है, मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हाँ जी हमें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये आपके लिए कैचअप ले आए ना, यहाँ कहीं होगा। मुझे टिक्के सही से बनाना नहीं आ रहे थे, आपको सच सच बताऊं तो भाई मुबशर इधर लेटे हुए थे, भाई मुबशर उठे हैं, भाई मुबशर कहते हैं कि अभी देखो आपको मैं बना के दिखाता हूँ स्पीड में। तो मैं स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता लगा हुआ था और मैंने खा लिया। जैन भाई ये पांच बोटियां लगा रहे थे, ये भाई ने लगाई हैं।
ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਭੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਇਲੇ ਥੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਮੇ ਵੋ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਲ ਲੀਏ ਗਏ ਹੈ ਅਭੀ ਕੋਇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕੋਇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਗੋਸ਼ਤ ਸੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਖੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਕੋਲੋਂ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੀਨ ਦਫਾ ਆਪਨੇ ਪਕਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਫੀ ਉਤਨੇ ਮੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਥਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਡਾਲ ਲੇਤੇ ਵੋ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਥੀ ਦੂਸਰਾ ਹੀਟ ਜਬ ਕਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਗੋਸ਼ਤ ਸੂਖ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਾਏ ਹੱਥ ਕੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਬਤਾਊਂ ਆਪਕੋ ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸਟ ਲਗਾਨੇ ਸੇ ਜਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਅਭੀ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸਟ एक कप चाय आए हाय आए हाय मैं और अबू जान अभी चाय पियेंगे बारबेक्यू भाई मुबशर करेंगे यार अभी पेस्ट लगाने के बाद और ज्यादा जलन जो है ना वो बढ़ गई है रिएक्शन उल्टा ही ना हो जाएगी तो एक्शन का रिएक्शन अहमद 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 रुको आप जिमनास्टिक में क्या जिमनास्टिक में जाना चाहते हैं ऐसे ऐसे घूमने जहाँ सिखाते हैं वहाँ जाना चाहते हैं पहले पेस्ट लगाई थी लेकिन उससे ना मामला थोड़े बिगड़ गए थे तो अभी देसी टोटका कुकिंग ऑयल लगाऊंगा मैं कुकिंग ऑयल के ऊपर नमक और रेसिपी हमारी हो जाएगी तैयार दबा के मले नहीं मली दा नहीं की कर दे पे हो ने अपना काम कर दिया है हमें समझा दिया है अब हम जाने और हमारा काम मैं और भाई मुदस्सर करेंगे कोई भी काम कर रहे हो मैं और भाई मुदस्सर तो कम ही चांसेस होते हैं वो काम ठीक हो गोश्त चढ़ाया है सीखों पे लेकिन भाई मुबशर कहते हैं कि दो दो बोटियां और चढ़ाओ कोयले जो हैं माशाल्लाह ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं अब ये देखें अगर ऐसी सलाखें लगती तो जितनी आपने पकाई हैं पक जानी चाहिए इससे कम ना ऐसे होता है जी काम जैसे हम कर रहे थे वैसे दो दिन में भी नहीं होना था बर्फ पानी खेल रहे हैं जी जिसकी बारी होता है बारी होती है वो जिसको हार लगा लेता है वो बर्फ हो गया फिर उसके साथ ही उसको छुड़ाते हैं फिर वो पानी हो जाता है बर्फ पानी पबजी नॉकआउट दूसरा के हाथ लगाता है वो उठ पड़ता है ठीक है फिर नॉकआउट वो हाथ लगाता उठ जाता है ये वो सीखूंगा जी भर लिया गया है बोटियों से एक ही तरफ से रखना शुरू करते हैं तरतीब जब पलटाना शुरू करते हैं फिर उसी तरफ से पलटना भी शुरू कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी कुकिंग ऑयल लगाएंगे जी पंजाबी की एक कहावत है कि बाबियां बगैर बकरियां नहीं चढ़दियां तो अगर भाई मुबशर ना होते ना तो हमारी बारबेक्यू पार्टी ऐसी होती कि क्या बताऊं कि कैसी होती तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा तैयार हो चुका है जी देखें माशाल्लाह ये सीख जो है ना स्टील की है इस पे लकड़ी का कवर नहीं है तो इस वजह से ये बहुत गर्म हो जाती देखें माशाल्लाह इसे कहते हैं बारबेक्यू पार्टी जो पहले थी उसे कहते हैं बारबेक्यू पार्टी की बर्बादी अभी सीखों से गोश्त उतारने का टाइम आ चुका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओए हाय जूसी हैं जी जूसी बोटियां ओए हाय मलाई बोटी जूसी मलाई बोटी ओए हाय 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 देख लेना आ जाए पहले खा लेंगे ये जेब में रख ले केचप भी है मायोनीज भी है मजे उड़ाएं कौन सी ये मायोनीज मायोनीज वाइट वाली है ये वो चिली गार्लिक सॉस है इसे मत खाना ये स्पाइसी होगी बस उस हिसाब से खाइएगा ठीक है अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया पैसे की यार है ये दुनिया पैसे की यार है लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल के यार हैं मोबाइल टीवी जिस पे भी कार्टून गेम्स मिल जाए गेम खेली है कौन सी माइनक्राफ्ट गेम वाली माइनक्राफ्ट गेम वाली
बाबा ने मना किया मैंने खेलने से। जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह जी, पार्टी का मजा आ चुका है, बच्चे भी अभी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो बच्चे खेले हैं जी, और अभी इनको बोटियां खाने को मिली हैं। तो जी आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। मेरा हाथ जो है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है, बिल्कुल हल्की हल्की जलन हो रही है, अभी अपना जल गया था तो अभी हाथ को मैं धोने लगा हूँ। ये जो ऊपर ऑयल लगाया था और नमक लगाया था ना, इसने काम बेहतरीन कर दिया। अभी हाथ धोऊंगा मैं।